सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इस 8, 24 और 40 का फैक्टर्स यानी कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, बड़ा वाला संख्या को छोड़ देना है, सबसे पहले छोटा वाला संख्या को देखना है। छोटा वाला संख्या को देखना है कि छोटा वाला संख्या सभी को काट रहा है तो वही एचसीएफ हो जाएगा। देख रहे हैं 8, 8 3 24, 8 5 40, इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है इसका 8 ही हो जाएगा। पहले हम आसान वाला देखें, उसके बाद और भारी 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 मतलब हाईएस्ट वाला भी देखने वाले हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ 8, 12, 24, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है तो 8 है, 8 को बाहर कर लेंगे। देखेंगे 8 से 12 कट रहा है, नहीं 24 कट रहा है लेकिन 12 तो नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला फैक्टर्स करेंगे। बड़ा वाला फैक्टर्स क्या है, इसका पहले 4 है, उसके बाद किससे कटेगा, 2 से, उसके बाद 1 से, तो सभी कटता है, 4 है। तो अब 4 से भाग देकर देखेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 6 24, यानी कि इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सभी को काट रहा है, इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। दोस्तों आप बोले दो नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट सबसे बड़ा अंक चाहिए जो कि सभी को तोड़े यानी कि फैक्टर करे। उसके बाद हम और एग्जांपल से देखते हैं इनको। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं ये संख्या कि इसका एचसीएफ कैसे निकाले। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे, जो सबसे छोटी संख्या उसको पकड़ना है। छोटी संख्या क्या है, 24, 24 का फैक्टर करना है। 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा पहला, उसके बाद क्या होगा, 8 होगा, उसके बाद 6। अब हमको इसी में चेक करना है इससे हो रहा है कि नहीं, 12 से करेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 8 बढ़ 7 84, यानी कि इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ 12 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो लंबा लंबा भागा होगा, कुछ नहीं करना, बस यही करना है, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद इसका देखना है 14, 21, 105, 14 का क्या करेंगे, 14 से 105 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 21 नहीं कट रहा है, करना क्या है, इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या है, 7, उसके बाद ये स्वयं 14 से ही कटता है और 7 से कटता है, उसके बाद ये 2 से कटता है, तो 7 से चेक करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 एकम 7, 3 पे 5, 7 5 35, यानी कि इसका एचसीएफ जो है वो हो जाएगा, एचसीएफ 7 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ये बड़ी संख्या, अगर आपको ये संख्या मिल जाए और इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालिएगा, आइए देखते हैं। करना क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 750 ना, 750 इसमें लग रहा होगा क्या, नहीं लग रहा है। इसके बाद इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सुन्ना, तीनों में सुन्ना है ना, तो सुन्ना को हम भूल जाएंगे, अभी समझिए कि सुन्ना नहीं है, अभी जीरो अभी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, 75, 90 और 120 बचा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 से देखिए, 25 से ये कट रहा है, 25 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। उसके बाद 15 से चेक करेंगे, 15 से ये कट रहा है, 15 5 75, 15 6 90, 15 8 120, यानी कि 15 से ये कट रहा है। इसका मतलब क्या, 15 हमका मेरा एचसीएफ हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो छोड़े हैं तो वो जीरो, इसका एचसीएफ जो है वो 150 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल से देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस बड़ी संख्या के एचसीएफ कैसे निकाले। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसका छोटा संख्या देखेंगे, 1365, 1365 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए इसको क्या, पहले 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 से काटने के बाद 3 चौका 12, उसके बाद 1 पर 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 455। उसके बाद क्या, किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 से 9 45, 1, उसके बाद क्या कटेगा, 7 से 13, बस इतना ही कटेगा। अब देखता है कि इसमें इस कौन कौन इससे कट रहा है, जो जो कटेगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। 3 से देखिए क्या कर रहा है, 3 पचे 15 और 75, 15 पचे 25 दिया 75, यानी कि 3 कट रहा है, 3 को बाहर कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 से देखना है ये भी कट रहा है कि नहीं, 3 6 18 कितना, 90 30 दिया 90, ये कट रहा है। उसके बाद 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो उसके बाद 5 को बाहर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से देखना है ये कट रहा है, 7 दूनी 14, 1 पर 7, 7 दूनी 14, फिर 3 पर 5, 7 5 35, ये कट रहा है। उसके बाद 7 दूनी 14, 4 पर 9, 49, यानी कि 7 से भी ये कट रहा है। उसके बाद क्या है, 13 से ये कट रहा है, एक बार में 13 दो बज गया, 2 2 पर 7, 13 दूनी 26, 1 पर 5, 13 से ये नहीं कट रहा है, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको गुना कर दीजिए और यही जो है आपका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। 3 5 15 7 इतना हो जाएगा, 105 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इन बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालने का यही तरीका है।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो लाते रहे। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।